हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एकसम। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आप लिनक्स या फिर उबंटू यूज़ करते हैं तो किस तरह से MySQL के सर्वर को इंस्टॉल करना है। आपको सबसे पहले आपको टर्मिनल पे जाना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स में भी टर्मिनल आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड कर देना है, ठीक है। अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन नहीं है तो फिर सूडो लगा देना, apt get अपडेट और पासवर्ड। ठीक है, मैंने ये सिस्टम पहले ही अपडेट कर रखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे होंगे तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें डाउनलोड होंगी, ठीक है। उसके बाद सेम अपग्रेड कर देना, sudo apt get अपडेट अपग्रेड। sudo का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को सुपर यूज़र की परमिशन चाहिए क्योंकि मैं एक यूज़र से लॉगिन हूँ, ठीक है। अगर आप रूट से लॉगिन होंगे तो फिर आपको sudo डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, जब आप पहली बार करेंगे अपग्रेड तो फिर हो सकता है आपसे येस और नो की परमिशंस मांगे, तो आप येस कर देना, वाई दबा देना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको लिखना है sudo apt get install MySQL server, ठीक है। ये आपको प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। आपसे देखिए येस और नो पूछेगा, येस दबाना है, वाई दबा देना है। उसके बाद ये माय सर्वर को आपको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, और किस तरह से लॉन्च करना है, उसको ऑन करना है मैं बताऊंगा आपको। कहाँ पे क्वेरीज लिखनी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने विंडोज़ के लिए बताया था, इस वीडियो में हम उबंटू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो से हमारा SQL लैंग्वेज जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम सेटअप कर रहे थे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे, जो क्वेरीज वगैरह हैं क्या क्या होते हैं उसमें टॉपिक्स, वो अगली वीडियो से कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। MySQL is running as PID. PID का मतलब होता है प्रोसेस आईडी। जब भी आप कोई टास्क देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वो प्रोसेस आईडी एक जनरेट करता है और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज कर देता है, ठीक है। समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है मेरा MySQL सर्वर, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ऑन करना है आपको। तो आपको लिखना है MySQL सर्वर और MySQL -u रूट, ठीक है। और पासवर्ड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होता है तो आपको एंटर कर देना है, और पासवर्ड ये मांगेगा लेकिन आपको सिर्फ एंटर करवा देना है क्योंकि पासवर्ड कोई था नहीं। देखो रूट, क्योंकि एक्सेस डिनाइड फॉर रूट, क्योंकि हमने जो एक यूज़र आईडी से लॉगिन है, ठीक है, हमें रूट की परमिशन चाहिए। तो आप sudo का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और अब एंटर करने के बाद ये MySQL सर्वर आपके सिस्टम में ऑन हो गया है। और मैं यहाँ अगर शो डेटाबेसेस कर दूँ, सॉरी, शो डेटाबेसेस के बाद सेमी कॉलन लगाना मैं भूल गया था। यहाँ देखो, शो डेटाबेसेस करने के बाद यहाँ पे जो प्री इंस्टॉल्ड जो डेटाबेसेस आते हैं उसकी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे आप, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ भाई SQL सर्वर मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, सही काम कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ क्रिएट डेटा बेस आदि, या हैकर सब लिख देते हैं, और देखो क्रिएट डेटाबेस और क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, ठीक है। और अगर मैं पिछली क्वेरी को दोबारा रन करूं तो यहाँ पे हैकर सब एक डेटाबेस मेरे को शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता लगा कि इंस्टॉल हो चुका है MySQL सर्वर और सही काम कर रहा है। तो अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप इसकी क्वेरीज के बारे में जानेंगे, क्या क्या क्वेरीज होती हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।